9 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस उप महानिरीक्षक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार जनपद में बढ़ते अवैध नशे के कारोबार पर अंकुश लगाए जाने हेतु अभियान चलाकर नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करनी हेतु निर्देशित किया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्र अधिकारी ज्वालापुर द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारीगणों को अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक ज्वालापुर द्वारा कोतवाली ज्वालापुर में सभी चौकी प्रभारी हल्का प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित की गई। इस क्रम में चौकी रेल टीम द्वारा SI प्रवीण रावत प्रभारी चौकी रेल के नेतृत्व में कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लालपुर नहर पटरी के पास चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जो पुलिस कर्मियों के द्वारा चेकिंग को देखकर शक पकाकर भागने लगा, जिसे शक होने पर मौके पर पकड़ लिया। पकड़े गए व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम मोहसिन उर्फ बागा पुत्र मुस्तकीम निवासी मनीदारो की मस्जिद के पास पीठ बाजार मोहल्ला कशाबान ज्वालापुर तथा उक्त व्यक्ति की जामा तलाशी लेने पर उसके पास से 9 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर अभियुक्त के विरुद्ध कोतवाली ज्वालापुर पर मुकदमा संख्या 31/22 धारा 8/21 NDPS एक्ट के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के ऊपर पूर्व में भी अवैध मादक पदार्थों की बिक्री में जेल जा चुका है। अभियुक्त को आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। नदीम सलमानी, ब्यूरो चीफ, हरिद्वार।